नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो आज जयपुर, कोटा और जोधपुर में नए 6 नगर निगमों के लिए कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तीनों शहरों के कुल 560 वार्डों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान की सुबह 9 बजे से यानी कुछ ही मिनटों बाद मतगणना शुरू होगी। दोपहर बाद तक सभी 2287 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। इन चुनावों में जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और दक्षिण और कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण निगमों के लिए कुल 60.17% मतदाताओं ने वोटिंग की थी और अब आज फैसला आने वाला है। हालांकि काउंटिंग कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाएगी, लेकिन कुल 60.17% मतदान यहां पर हुआ था। मतदाता उन्हें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हालांकि कोविड की वजह से माना जा रहा था कि वोटिंग प्रतिशत यहां पर कम हो सकता है, लेकिन फिर भी 60% करीब यहां पर मतदान हुआ है 6 नगर निगम के लिए। लेकिन अब काउंटिंग यहां पर शुरू हो गई और बहुत ही तेज गति से जैसे ही आना शुरू होंगे, फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक ये नतीजे पहुंचाएगा। और चलिए सीधे रुक करते कोटा का संवाददाता भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ गए। भंवर, जरा वहां की लाइव तस्वीरें दिखाइए, काउंटिंग क्या शुरू हो गई है, 9 बज गया। बिल्कुल अश्वेता, 9 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू हो गया है। मैं फिलहाल कोटा में यहाँ कॉमर्स कॉलेज में, जहाँ कोटा उत्तर नगर निगम के लिए मतगणना हो रही है, क्योंकि कोटा में इस बार 2 निगमों के लिए वोटिंग हुई है, तो दोनों निगमों के लिए काउंटिंग भी अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पर हो रही है। कोटा उत्तर नगर निगम की मतगणना का काम वाणिज्य महाविद्यालय में हो रहा है और कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए जो वोटिंग का काम है वो JDB कॉलेज में हो रहा है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो ये मीडिया सेंटर की तस्वीरें हैं, जहाँ से फर्स्ट इंडिया लगातार अपडेट सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुँचाने का वादा आपने दर्शकों से करता है, जो हमेशा जो फर्स्ट इंडिया अपना वादा करता रहा है और जिस वादे को वो निभाता रहा है। फिलहाल मैं आपको काउंटिंग सेंटर के अंदर ले जाने की कोशिश करूंगा और ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह की तैयारियां जो है वो अंदर हो रही है। आप देखिए लाइव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहां पर की जा रही है और इसी सुरक्षा पहरे में जो मतगणना का काम है वो कॉमर्स कॉलेज में शुरू हो चुका है, 4-4 वार्डों के लिए और फिर उसके बाद 7-7, 8-8 वार्डों के लिए एक साथ टैबलेट लगेगी। यानी कि रिजल्ट एक बार जब आना शुरू होंगे तो हम शायद बहुत तेजी से, बहुत शीघ्रता से परिणाम जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचा पाएंगे। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो आप देखिए ये स्ट्रांग रूम है जहाँ पर EVM मशीनें रखी गई है, यहाँ एक के बाद एक मशीनें निकाली जाएगी और वार्ड परिणामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। ये कोटा उत्तर नगर निगम के स्ट्रांग रूम का नज़ारा है और अंदर किस तरह से मतगणना का काम हो रहा है ये भी आप देखिए, लॉन्ग शॉट साथी रामेश्वर आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए लॉन्ग शॉट, मतगणना का जो काम है वो शुरू हो चुका है और ये वार्ड नंबर 41 से वार्ड नंबर 60 का जो 10 वार्डों का जो मतगणना कक्ष है उसके अंदर हम आपको ले जाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं, काउंटिंग का काम यहाँ पर शुरू हो चुका है और पहले राउंड में शायद बैलेट पेपर्स की गिनती होगी और इसके बाद EVM मशीनें खुलेगी और चूंकि गणना का काम मशीनों से हो रहा है तो उम्मीद है कि बहुत जल्द हम नतीजे हमारे दर्शकों तक पहुँचा पाएंगे। जी श्वेता, बिल्कुल। फिर भी कितना वक्त यहाँ पर लग सकता है पहला परिणाम आने के लिए भंवर? देखिए ये आप मान के चलिए कि बैलेट पेपर्स की जो गिनती है उसमें कुछ समय लगना है, लेकिन जैसे ही EVM खुलेगी इसके बाद मशीन से गिनती शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा समय लगना नहीं है। ये माना जा रहा है कि 7 से 8 राउंड एक वार्ड के लिए हो सकते हैं और JDB कॉलेज में 4-4 वार्ड की गिनती एक साथ शुरू होगी और यहाँ पर 7-7 वार्ड जो है वो एक साथ गिने जाएंगे, 7 से 8 वार्ड एक साथ गिने जाएंगे। तो आप मान के चलिए कि पहला, दूसरा, तीसरा रुझान जब आने शुरू होगा इसके बाद तेज़ी से नतीजे मिलने शुरू हो जाएंगे और 11 बजे तक करीब करीब चुनावी तस्वीर जो है हम ये उम्मीद करें कि कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण निगम की साफ हो जाएगी। विस्तृत परिणाम आने में समय लग सकता है, लेकिन जो मोटा मोटी तौर पर नतीजे हैं वो 11 बजे तक आ जाएंगे कि कौन से शहर में किसकी सरकार और कौन से निगम में किसकी सरकार कोटा में बनने जा रही है। बिल्कुल भंवर, क्योंकि काउंटिंग का दौर यहाँ पर शुरू हो चुका है, इंतजाम भी पुख्ता किए गए जैसा कि आपने बताया, लेकिन दोनों लिहाज से इंतजाम जरूर समझना चाहेंगे, सुरक्षा के लिहाज से कितने पुख्ता है और कोविड गाइडलाइन के हिसाब से कितनी तैयारी है? देखिए पूरा जो यहाँ पर मतगणना का काम हो रहा है उसमें खास तौर पर कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा गया है और इस बात की पूरी सावचेती रखी जा रही है कि किसी भी तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है वो गाइडलाइन ब्रेक नहीं होने पाए। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम हर सेंटर पर किए गए हैं और रिजर्व पार्टी जो हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। बाहर बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों के जो अधिकृत जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर जहाँ काउंटिंग हो रही है वहाँ भी एक प्रत्याशी के लिए एक
कैंडिडेट जो है वो अंदर अलाउड किया गया है। तो हम ये उम्मीद करें कि हम शायद बहुत जल्दी और बहुत तेजी से नतीजे आप तक पहुंचा पाएंगे एक बार जैसे ही ईवीएम मशीन खुल जाएगी उसके बाद। जी बिल्कुल। और कोटा दक्षिण में काउंटिंग कहाँ पर हो रही है कोटा दक्षिण के लिए? देखिए, कोटा दक्षिण नगर निगम के लिए काउंटिंग का जो काम है वो राजकीय जानकी देवी बजाज कन्या महाविद्यालय में हो रहा है। वहीं पर स्ट्रांग रूम ईवीएम मशीन का बनाया गया था वोटिंग के बाद में, और वहीं पर मतगणना का काम हो रहा है। जबकि कोटा उत्तर निगम के लिए दक्षिण निगम से करीब 3 किलोमीटर फासले पर झालावाड़ रोड पर कॉमर्स कॉलेज है जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ। कॉमर्स कॉलेज परिसर में कोटा उत्तर की जो मतगणना का काम है वो हो रहा है। तो जो दक्षिण निगम है उसके लिए जेडीबी कॉलेज और जो उत्तर निगम है उसके लिए कॉमर्स कॉलेज में ये मतगणना हो रही है। और मैं बताऊँ आपको कि कॉलेज परिसर के थोड़ा सा बाहर ही टेंट लगा रखे हैं बीजेपी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने, और जैसे ही चुनाव आने शुरू होंगे जो प्रत्याशी जीतेंगे वो बिल्कुल, टेंट बिल्कुल। और क्योंकि कोटा में इंतजाम पुख्ता है जिस तरह से भंवर भी दिखा रहे, भंवर आप हमारे साथ बनी रहिए। जोधपुर से भी जरा अपडेट ले लेते हैं। जोधपुर से हमारे साथ शिवप्रकाश पुरोहित जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, जोधपुर में कैसी तैयारी, काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी, क्या इंतजाम, जरा वहां की भी तस्वीरें दिखाइए। जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो जो है पोस्टल बैलेट की जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में। जिस तरह से महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में नगर निगम दक्षिण के लिए और पुरुष पॉलिटेक्निक कॉलेज में उत्तर के लिए जो है मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे तो लगभग उसमें 15 से 20 मिनट का समय लगेगा और उसके बाद जो ईवीएम यूनिट है उसको खोला जाएगा। तो ऐसा अनुमान है कि लगभग जो है 9:45 तक जो पहला रिजल्ट है वो सामने आ सकता है। तो अब सभी की निगाहें मतगणना पर टिकी हुई है। और व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो यहाँ जिला प्रशासन ने काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हैं ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। जिस तरह से एक चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि एक प्रत्याशी के अधिकतम 8 काउंटिंग एजेंट है वो आ सकते हैं, तो इसके चलते थोड़ी अधिक संख्या में यहाँ प्रत्याशी के जो अभिकर्ता हैं वो पहुंचे हैं। तो इसलिए सुबह सुबह जिस तरह से भीड़ हुई थी अब धीरे धीरे ये भीड़ है वो छटने लगी और सभी अपने अपने जो निर्धारित काउंटिंग स्थल है वहां तक जा चुके हैं। बिल्कुल शिवप्रकाश, और वहाँ काउंटिंग की क्या तस्वीरें भी हम चाहेंगे कि आप वहां पर दिखाएं, किस तरह का माहौल है, कैसे इंतजाम है सुरक्षा के लिहाज से, कोविड गाइडलाइन के हिसाब से? काउंटिंग की तस्वीरों की जहां तक बात की जाए, चूंकि यहां जो मतगणना स्थल के प्रवेश करते ही एक मीडिया सेंटर बनाया गया है, वहीं मीडिया कर्मियों को जो है अलाउ किया गया है, मतगणना स्थल के भीतर मीडिया कर्मियों को अलाउ नहीं किया गया है। तो यहीं से हमें सारा जो है जिला प्रशासन की ओर से अपडेट किया जाएगा और उसके बाद हम जो है अपने दर्शकों को दिखा पाएंगे। तो फिलहाल अंदर जाने की अनुमति नहीं है और अभी हम यहाँ मीडिया सेंटर में ही जिस तरह से पहले मतगणना जो मतपत्र की शुरू हुई है उससे हम इंतजार कर रहे हैं। काउंटिंग यहाँ शुरू भी हो चुकी है शिवप्रकाश, तस्वीरें आगे भी हम दिखाएंगे जोधपुर की भी, लेकिन जयपुर का हाल भी जान लेते हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से। शिवेंद्र, काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कहाँ पर काउंटिंग हो रही है दोनों के लिए, हेरिटेज और ग्रेटर के लिए, क्या कुछ और जानकारी वहां से? देखिए, बड़ी खबर यही है श्वेता कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 2 जगह वोटों की गिनती हो रही है, कॉमर्स कॉलेज में हेरिटेज के लिए और ग्रेटर में, ग्रेटर की गिनती हो रही है राजस्थान कॉलेज में। इस समय सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर, जहां पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। तस्वीरें देखिए आप, जो कर्मचारी हैं जो मतगणना, जिनकी ड्यूटी लगी है मतगणना में, वो पोस्टल बैलेट की गिनती कर रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर एक्सक्लूसिव आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं सीधे मतगणना स्थल से, और जैसे ही पोस्टल बैलेट्स की गिनती खत्म होगी, तकरीबन उम्मीद है कि 20 से 25 मिनट में जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिनती खत्म हो जाएगी, और उसके तुरंत बाद जो आपको ईवीएम दिख रही हैं गुलाबी कलर में, पिंक कलर में, इन ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। देखिए, ईवीएम मशीन आपको दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सैनी, और पोस्टल बैलेट की गिनती होने के बाद ही जो ईवीएम मशीन है उनको खोल दिया जाएगा और इनकी भी गिनती शुरू हो जाएगी। तो जो इंतज़ार था बीते 1-2 महीने से, जो भागदौड़ चल रही थी बीते 1-2 महीने से, जो प्रयास चल रहे थे, मेहनत चल रही थी, उनके नतीजे आना शुरू हो गए। सर, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है? देखिए, तो बिल्कुल जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। कर्मचारी जाहिर तौर पर अभी बात नहीं करेंगे, उनको ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन खबर यही है बड़ी श्वेता कि वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, यानी कि 250 प्रत्याशियों समेत जयपुर की जनता जिस दिन का इंतजार कर रही थी उस दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज पता चलेगा कि जयपुर में शहरी सरकार, 2 शहरी सरकार, जयपुर नगर निगम ग्रेटर और जयपुर नगर निगम हेरिटेज, दोनों शहरी सरकारों का बोर्ड किसका बनेगा। हालांकि मेयर के लिए एक जो
वोटिंग है वो प्रक्रिया है वो बाद में होगी, उसमें भी समय लगेगा, लेकिन आज इतना हो जाएगा कि कौन सी पार्टी, क्या जो सत्तारूढ़ पार्टी है कांग्रेस वो अपना लोहा मनवाएगी, वो दोनों जो नेगा में उनमें परचम लहराएगी, या बीजेपी जो इतनी जिसने मेहनत की थी, दावा किया था, बाड़ेबंदी भी की है, क्या बीजेपी को सफलता मिलेगी, या एक एक का स्कोर होगा जिसकी की संभावना बहुत ज़्यादा बताई जा रही है। देखिए तस्वीर आप देखिए, हम एक और कमरे की तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो पोस्टल बैलेट की गिनती है वो चल रही है और जो अधिकारी हैं मनीष फौजदार साहब वो यहाँ पर बैठे, उनसे बातचीत भी कर लेते हैं। सर शुरू हो गई है पोस्टल बैलेट की गिनती? बिल्कुल, पोस्टल बैलेट हमारा पहले राउंड में नहीं था, वार्ड 41 में, उसके बाद हैं, तो अभी सीधा हमने मतगणना प्रारंभ करवा दी ईवीएम्स के द्वारा, आप देख ही रहे हैं। तो कब तक उम्मीद करें सर कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो पूरी हो जाएगी? नहीं, हम तो राउंड वाइज करेंगे प्रत्येक वार्ड का, जैसे एक बार हम राउंड लेंगे 41 का, पोस्टल बैलेट की होगी, फिर उसकी काउंटिंग होगी, हर वार्ड की अलग अलग पोस्टल बैलेट है तो अलग अलग साथ प्रत्येक चक्र के साथ उसकी काउंटिंग। पहला नतीजा कब तक बता देंगे सर आप? तकरीबन जो है अभी एक वार्ड का तो आधा घंटे 15 मिनट के अंदर बता देंगे। तो देखिए बड़ी खबर बता रहे हैं मनीष फौजदार जो SDM है जयपुर में, कि 15 मिनट में पहला नतीजा मिलेगा जयपुर नगर निगम का, और पता चलेगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पहला नतीजा किसके पक्ष में जाना। देखिए आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए श्वेता, EVM मशीनें खुलना शुरू हो गई हैं। बड़ी खबर इस समय फर्स्ट इंडिया पर हम बता रहे हैं कि जयपुर नगर निगम के लिए जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है, हेरिटेज नगर निगम की गिनती कॉमर्स कॉलेज पर है जहां पर मैं मौजूद हूं, और EVM मशीनें खुल चुकी हैं, यानी जो प्रत्याशियों का भाग्य था, कैंडिडेटों का जो भाग्य EVM में बंद था वो अब बाहर आने वाला है। धड़कने तेज हैं प्रत्याशियों की, उनके एजेंटों की, क्योंकि थोड़ी देर में, बहुत थोड़ी सी देर में पता चलेगा कि पहला नतीजा किसके पक्ष में जा रहा है, क्या कांग्रेस बाजी मार रही है या भाजपा जीतेगी या फिर किसी निर्दलीय या बागी की खुलेगी किस्मत। EVM मशीनों को खोलने का सिलसिला जारी, लेकिन एक रोचक तस्वीर श्वेता आप समझिए इन तस्वीरों को, कि अभी तक तो काउंटिंग एजेंट हैं वो यहाँ पर नहीं है, जो काउंटिंग एजेंटों की कुर्सी है वो खाली पड़ी है, उसका कारण ये है कि बाहर भीड़ बहुत ज़्यादा है और अभी तक काउंटिंग एजेंटों को प्रवेश नहीं मिला है, तो हो सकता है कि इस पर बाद में विवाद भी हो। काउंटिंग एजेंट कहें कि साहब हम आए जब तक, तो अब तो एक वो कहावत है गांव में कि हम आए जब तक तो बारात निकल गई, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि जब तक काउंटिंग एजेंट आए जब तक वोटों की गिनती पूरी हो जाए, क्योंकि EVM से वोटों की गिनती में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो काउंटिंग एजेंट अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, ADM अशोक कुमार आए हैं, वो यहाँ पर व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर श्वेता सबसे पहले तस्वीर है, जैसा फर्स्ट इंडिया वादा करता है कि चुनाव मतलब फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले जो नतीजा आएगा वो भी फर्स्ट इंडिया ही बताएगा कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज में पहला नतीजा किसके पक्ष में जा रहा है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज जिसको कि जिसमें चारदीवारी का इलाका प्रमुख रूप से शामिल है, पहली बार ये नगर निगम बनाया गया है और ऐसा बताया जाता ऐसा है इतना है कि चारदीवारी के इलाके को विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए ही सरकार ने दो नगर निगम बनाने का फैसला किया, जयपुर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर नगर निगम हेरिटेज। हेरिटेज में चारदीवारी का क्षेत्र है और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कांग्रेस है वो मजबूत है, क्योंकि हेरिटेज में कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। नाम बताता हूँ, महेश जोशी सरकार के मुख्य सचेतक, हवा महल से विधायक हैं, काफ़ी मेहनत की उन्होंने, प्रताप सिंह खाचरियावास सरकार में मंत्री हैं, सिविल लाइन से विधायक हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की, अमीन कागजी किशनपुर से विधायक हैं, काफ़ी मेहनत की, रफीक खान आदर्श नगर से विधायक हैं, तो जो दिग्गज नेता हैं जयपुर में कांग्रेस के उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है जयपुर नगर हेरिटेज में। तो जब नतीजे सामने आएंगे, जब पता चलेगा कि हेरिटेज में कौन जीत रहा है, तो उन नेताओं ने जिस तरीके से मेहनत की है शिवेंद्र, और जैसा कि कहना भी था उनका कि 15 मिनट में कोशिश है, 15 मिनट में पहला परिणाम यहाँ पर दे दे हेरिटेज में, जिस तरह से EVM से काउंटिंग यहाँ पर जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिवेंद्र के माध्यम से फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा था, ये तस्वीरें देखिए, और इंतजार इसी बात का है कि सन सिटी जोधपुर हो, कोचिंग सिटी कोटा हो या फिर पिंक सिटी जयपुर, तीनों बड़े शहर संभाग, और सबसे बड़ी बात डबल निगम के यहां पर काउंटिंग जारी है, पहली बार यहां पर डबल निगम में वोटिंग हुई, 6 मेयर यहां पर मिलेंगे, और इंतजार है कि इन तीनों ही शहरों में किसकी धाक जमती है, किसके सर पर ताज सजता है जीत का, बीजेपी कांग्रेस जो कि हमेशा से रही, लेकिन कहां पर है जब निर्दलीय खेल बिगाड़ सकते हैं, कई बागी यहां पर हो गए हैं, निर्दलीय कई कई जगह पर ज्यादा मजबूती से नजर आ रहे थे, और ऐसे में आज वो वक्त है, वो दिन है जब इंतजार और इतने दिन की मेहनत का फल यहां पर मिलने वाला है, किसके पक्ष में जाता है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। फर्स्ट इंडिया सबसे पहले आप तक परिणाम भी पहुंचाएगा, कहां किस वार्ड से कौन जीता, कितना अंतर रहा, किसके यहां पर जीत और किसकी हार, लेकिन उसके लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।